हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरु जी पर। आप देख रहे हैं ला सुफूरिया हाइकर्स वर्सेस फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स T10 मैच जो खेला जाएगा अर्नोस वाले ग्राउंड पे। तो स्टेडियम आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तो क्या सामने निकल कर आता है, जब इस वेन्यू के ऊपर मैचेस हुए अर्नोस वाले ग्राउंड पे तो कौन से प्लेयर्स और परफॉर्मेंस देके आते हैं, आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है। तो स्टेडियम आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहना भाई अंत तक। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच अर्नोस वाले ग्राउंड किंगस्टाउन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 11 बजे स्टार्ट होगा। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना है @StatsGuruji। जैसे ही आप सर्च करते हो चैनल मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको करंटली 42,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टैट्स गुरुजी का लोगो दिख जाएगा, आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आपको सिंपली सर्च कर लेना है @StatsGuruji। यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, क्या रह रही है पिच रिपोर्ट। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो पिच रहेगी न्यूट्रल पिच रहेगी, पर यहाँ पर जो प्लेयर्स यहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं वो लोगों ने इंटरव्यू के अंदर क्या बताया था कि पिच के ऊपर एक्स्ट्रा बाउंस है और पिच थोड़ी सी स्लो है, बॉल रुक के आ रही है, इसका रीज़न भी क्या है। आपने देख रहा है यहाँ पे पहली पारी के अंदर बैटिंग करना इजी है, इवन जो लास्ट मैच हुआ था उसके अंदर भी यहाँ पे जिस टीम ने पहले बैटिंग करी थी वो जीती थी, साल्ट पॉन्ड बेकर्स, आपको पता रहेगा उस टीम ने पहला मैच मतलब कि बैटिंग करते हुए जीता था। तो कहने का अर्थ यहाँ पे पहली पारी के अंदर बैटिंग करना यहाँ पे ईजी रहता है, दूसरी पारी के अंदर पिच स्लो हो जाती है, क्रैक्स धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तो आपसे कहने का अर्थ यहाँ पे पहली पारी के अंदर बैटिंग करना ईजी है, यहाँ पे लास्ट 29 मैचेस के अंदर 13 बार सिर्फ चेस करने वाली टीम जीती है और 16 दफ़ा ऐसा हुआ है जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीती है। एवरेज स्कोर करीबन 82-120 बनता दिखेगा। मैंने यहाँ पर लास्ट 29 मैचेस के अंदर क्या कहानी रही थी आपसे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर स्पिनर्स ने 101 विकेट निकाले हैं जो आपसे कहा मैंने, और यहाँ पर पेसर्स ने 129 विकेट निकाले हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर स्पिनर्स भी यहाँ पर ठीक ठाक रेशियो के अंदर आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी नहीं है पिच, क्योंकि टूर्नामेंट कल ही स्टार्ट हुआ है, तो 4-5 दिन बाद ना आप पे स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन अभी पिच थोड़ी सी फ्रेश है, ताज़ा पिच है। तो आपसे कहने का अर्थ है यहाँ पे कि पेसर्स को मदद मिल रही है, प्लस यहाँ पे हल्की सी बैटिंग फ्रेंडली पिच है अभी के टाइम पे, बाद में पिच स्पिनर्स को फेवर करने लग जाएगी। जो लास्ट मैच उसके अंदर आप देख सकते हो 6 विकेट यहाँ पे पेसर्स निकाले, 1 विकेट यहाँ पे स्पिनर ने निकाला था। हल्का सा क्लाउडी वेदर रहेगा, बारिश नहीं होनी चाहिए। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, मशक्कत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे बात करेंगे इसकी, जब दोनों टीम आपस में खेली तब क्या हुआ है। दोनों टीम्स ने आपस में 2 बार खेला है और यहाँ पे ला सुफूरिया हाइकर्स ने दोनों बार जीता है और ये नहीं जीती फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स, इसलिए तो भाई साहब ये टीम जॉनसन चार्ल्स को बुला के लाई है कि हमको यहाँ पे जिताओ, हमारी नैया पार कराओ। यहाँ पे बात करते हैं लाइनअप्स की, आपको यहाँ से देखेंगे कौन, ला सुफूरिया हाइकर्स की तरफ से डेसरॉन मलोनी कैप्टनसी कर रहे हैं, मार्क्यू प्लेयर्स टीम के राइट हैंडेड बैट्समैन। फिर दिखेंगे आपको सेल्वन ब्राउन राइट हैंडेड बैट्समैन रहेंगे यहाँ से, डिलन डगलस राइट हैंडेड बैट्समैन, पिछले साल के बहुत ही शानदार खिलाड़ी, प्रीवियस एडिशन के लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं। फिर आएंगे केविन हॉज, ये हैं राइट हैंडेड बैट्समैन, ये कराते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, आपने इनका नाम बहुत जगह सुना रहेगा। ये भी हाल ही के अंदर CPL की टीम सेंट लूसिया जुक्स के लिए सब्स्टिट्यूट्स के अंदर रहे थे, मतलब कितना बड़ा खिलाड़ी है। फिर आपको देखेंगे यहाँ से टिलरॉन हैरी विकेट कीपर बैट्समैन लेफ्टी, फिर आपको देखेंगे यहाँ से कौन, रैन विलियम्स, फिर आएंगे यहाँ से बेनिंगटन स्टेपल्टन, फिर देखेंगे आपको यहाँ से एंड्रयू हंटे, ये हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, फिर आएंगी कौन, जेरमी हेवुड, ये हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर, फिर आपको देखेंगे यहाँ से ओथनेल लुइस, ये हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर, फिर आपको देखेंगे यहाँ से निक्की एंटोनी राइट आर्म फास्ट मीडियम बेंच के ऊपर ये खिलाड़ी रहेंगे, मतलब इनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, सब्स्टिट्यूट्स के अंदर रहेंगे। यहाँ पे बात करते हैं फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स की, कंफर्म यही मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर रहेगा, पर एक चीज आपको यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ, जो डेरसन मलोनी है ना, इन्होंने पिछले साल क्या करा था, टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के अंदर ओपनिंग करी थी, फिर बाद में मलोनी भाई साहब ने सोचा कि मैं नीचे चले जाता हूँ, तो ये नीचे बैटिंग करने आ गए थे। देखते हैं कि यहाँ से डेसरन मलोनी ऊपर बैटिंग करते हैं, नीचे बैटिंग करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स की, आपको यहाँ से देखेंगे कौन, जॉनसन चार्ल्स, यहाँ पर आज का मैच खेलने के लिए मतलब एक्सपेक्टेशंस करी जा रही है, पर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना, तो VPL का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है कौन सा, विंसी प्रीमियर लीग का, वो हमेशा यहाँ पे कुछ फोटोज डालता रहता था,
बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे लैम्बर्स के, लेकिन यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स की फोटो नहीं डाली, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से शायद पहला मैच में अवेलेबल नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझको, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पहले कह रहा हूँ। मेरे को उन्होंने कोई ऐसा संदेशा नहीं भेजा कि मैं नहीं खेलूंगा पहला मैच, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे VPL के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसने अभी तक कोई पोस्ट नहीं डाली थी वहाँ पे। तो देखते हैं खेलते हैं नहीं खेलते, अगर खेलते हैं तो वही ओपनिंग करेगा जॉनसन चार्ल्स। आप भी जानते हो यहाँ पे ओपनिंग कौन कौन करेंगे, जिड्रॉन पॉपे, मार्क्यू प्लेयर्स टीम के, ये भी किसके अंदर खेल चुके हैं CPL के अंदर, कैरिबियन प्रीमियर लीग, मार्क्यू प्लेयर, ये है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, आपको दिखेंगे रिकफोर्ड वॉल्कर, ये है राइट हैंडर बैट्समैन, फिर आएंगे रोनाल्ड काटो, राइट हैंडर बैट्समैन, अंडर रेटेड प्लेयर टू वॉच आउट रोनाल्ड काटो रहेंगे। फिर आपको दिखेंगे एलेक्स सैमुअल्स, हार्ड हिटर बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग करते हैं एलेक्स सैमुअल्स। फिर आपको दिखेंगे कौन यहाँ से आएंगे, चेल्सन स्टॉवे, ये बहुत अच्छी वेरिएशन से बॉलिंग कराते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन, वाइड मीडियम फास्ट बॉलर। फिर आपको देखेंगे यहाँ से सिल्वर विलियम्स, पिछला सीजन बहुत बेकार गया था, ऑफ स्पिनर है। फिर आपको देखेंगे यहाँ से केटन लाविया, ये डेथ ओवर के अंदर गेंदबाजी कराते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन, वाइड मीडियम फास्ट बॉलर। फिर आपको देखेंगे रे जॉर्डन, राइट आर्म फास्ट। फिर आपको देखेंगे यहाँ से वासिट फर्नांडिस, ये हैं राइट आर्म, आई थिंक ये हैं लेग स्पिनर जितना मुझे याद आ रहा है, राशिद फर्नांडिस यहाँ पे क्या है, लेग स्पिनर है जितना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, मैंने AO लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए था LBS, लेफ्ट लेग ब्रेक स्पिनर है, यहाँ पे मैं करेक्शन करता हूँ, क्या यह है लेग ब्रेक स्पिनर। फिर आपको देखेंगे यहाँ से कौन, किमसन डलजेल, ये है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। फिर आपको देखेंगे यहाँ से सेल्वन स्पेंसर, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, दोनों बेंच के ऊपर रहेंगे, निगल स्माल है ऑफ स्पिनर। यहाँ पे बात करते हैं लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा था प्लेयर्स का, यहाँ पर अपन बात करेंगे पूरे परफॉर्मेंस की। तो आपको यहाँ से कौन देखेंगे, अल्लाह सुफराइकस, इन्होंने क्या फिनिश करा था, टोटल 6 टीम्स में इनका सेकंड रैंक रहा था पिछले साल, और इन्होंने 8 मैचेस खेले थे, 7 जीती थी, और ये बहुत ही आला दर्जे की टीम है। ये डिफेंडिंग, मैं कह सकता हूँ कि डिफेंडिंग नहीं कहूँगा, वो तो सॉल्ट पॉन्ड बेकर्स नहीं खेल रहा, ये मतलब कि यहाँ पे जीती नहीं थी, फाइनल में हारी थी लास्ट ऑफ हाइकर्स। यहाँ से सेल्विन ब्राउन की बात करते हैं, इन्होंने 10 मैचेस के अंदर लगभग 275 रन करे थे, इस टीम के हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट 70 की पारी खेली थी पिछले एडिशन के अंदर, मतलब मस्ट विक आपकी टीम के अंदर। फिर आपको देखेंगे यहाँ से डिलन डगलस, 10 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, 16 ओवर बॉलिंग कराई थी, बॉलिंग कराते हैं अच्छी खासी, 34 का एवरेज, 203 रन, हार्ड हिटर बैट्समैन, आते हैं मारना चालू करते हैं। फिर आपको देखेंगे यहाँ से केविन हॉज, ये सेट विंसेंट के अंदर 2 T20 मैचेस खेल चुके हैं, उसके अंदर क्या करा है इन्होंने, 81 रन्स करें, हाईएस्ट 43 है, और यहाँ पर इनके 4 विकेट रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, नई बॉल को अच्छा खासा कंट्रोल करते हैं। फिर आपको देखेंगे यहाँ से टिलरॉन हैरी, 11 के एवरेज, 4 मैचेस में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ से आपको देखेंगे डेसन मोलोनी, 10 मैचेस के अंदर 31 की एवरेज है, 125 रन, हाईएस्ट 41, मतलब ठीक ठाक रहा था, इनका सीजन इतना अच्छा नहीं गया था जितने अपन एक्सपेक्टेशंस करते हैं। यहाँ से रियान विलियम्स देखेंगे, 7 मैचेस के अंदर 3 विकेट और 9 ओवर बॉलिंग कराई थी, मतलब कि ये बैटिंग सेक्शन में डाल रखा है, गलत किया ड्रीम इलेवन ने। आप देखेंगे यहाँ से बेनिंगटन स्टेपलटन, जिनके 9 मैचेस के अंदर हाईएस्ट 42 और 2 विकेट थे, 8 ओवर बॉलिंग कराई थी पिछले सीजन के अंदर, बहुत कम बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग करते हैं थोड़ी बहुत। और इस बार जो हुआ था ना, कौन सा सेंट विंसेंट T20 लीग हुई थी अभी सेप्टेम्बर से लेकर अक्टूबर तक, उसमें उस भाई साहब ने बॉलिंग नहीं कराई थी, तो आपके लिए एक क्लियर पॉइंट बन जाता है, बैटिंग करेगा बॉलिंग के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देगा, और बैटिंग भी ऐसा ही है कि कभी चल गया तो चल गया 15-20 मैचेस में से। आपको देखेंगे यहाँ से जेरमी लॉर्ड, ये उमदा खिलाड़ी हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत आला दर्जा, क्यों 10 मैचेस के अंदर 18 ओवर बॉलिंग कराई, बहुत ओवर्स डालते हैं, 10 विकेट निकाले। ऑथनल लुइस के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको, ये नई बॉल से विकेट निकालते हैं, कौन ऑथनल लुइस, ये स्टार्टिंग का पहला और तीसरा ओवर डालते हैं, ये ध्यान रखना आपको, जब आप ऑथनल लुइस को लेते हो तब आपको ग्रैंड लीग के अंदर ना फोर्ट चार्लोट स्ट्राइकर्स की तरफ से टॉप ऑर्डर में से 1-2 बैट्स को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा हर मैच के अंदर नई बॉल से विकेट निकालता है, 20 ओवर बॉलिंग करा चुका है, ये रीजन है हर मैच में 2 डाला है। यहाँ से कैमरन स्टफ दिखेंगे, 7 मैचेस में 3 विकेट है, एंड्रू हार्टर ने यहाँ पे 9 मैचेस के अंदर 18 विकेट निकाले हैं T20 के अंदर, इन्होंने आज तक कभी T10 नहीं खेली, पिछले सीजन के अंदर भी नहीं खेले थे, इनका पहला सीजन है, प्लेयर टू वॉच आउट रह सकते हैं क्योंकि 9 मैचेस के अंदर 18 विकेट है, मतलब दमखम रखते हैं। यहाँ से एनसन लक्ष्मण इंपॉर्टेंट नहीं है, निक्की एंटोनियो ठीक ठाक बॉलिंग कराते हैं T20 के अंदर, इनके 12 मैचेस के अंदर 12 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर कौन करा के देगा आपको, यहाँ से स्टार्टिंग ओवर आपको करा के देंगे जेरमी हैवुड, यहाँ से केविन होजे या फिर ऑथनोल पक्का कराएंगे, ये तीनों आई थिंक स्टार्टिंग ओवर डालेंगे। और फिर आपको डेथ ओवर दिखेंगे यहाँ से लास्ट सूर्य फ्राइकर्स की तरफ से, जेरमी हैवुड, एंड्रू हटे, डिलन डगलस। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फोर्ट चाइल्ड स्ट्राइकर्स की, ये पिछले साल
लास्ट पोजीशन पे थी, 8 मैचेस खेले थे, सिर्फ एक मैच जीती थी। यही तो कारण है जॉनसन चार्ल्स को बुलाया लोगों ने। जॉनसन चार्ल्स का सेंट लूसिया T10 के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा था जो अपन ने कवर करी थी यार, बहुत ही खूबसूरत लीग थी अपने लिए, मतलब अलग मुकाम पे लेके गए थे। उसके अंदर क्या करा था उसने, 39, 10, 0, 42 स्टार्टिंग के 4 मैचेस में कुछ रन नहीं, फिर 12, फिर 39। आप देखो कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी इस भाई की। ये एक मैच छोड़ दो, फिर ये एक मैच छोड़ दो, फिर ये छोड़ दो, फिर भाई ने यहाँ पे कम बैक करा 60 from 25, 108 from 43। मतलब कि अच्छा खिलाड़ी है, आप जानते हैं जॉनसन चार्ल्स किस लेवल का प्लेयर है। वेस्ट इंडीज की इंटरनेशनल टीम के अंदर खेल चुका है, बड़ी बड़ी लीग्स के अंदर खेल चुका है। यहाँ से फिर दिखेंगे आपको कौन, गिड्रॉन पॉप, जिनका कैसा परफॉर्मेंस था, 10 मैचेस के अंदर 170 रन, 59 था, 0 विकेट से, हिट और मिस टाइप प्लेयर है यहाँ पे भी ये। और एक और बॉलिंग कराई थी, बॉलिंग बहुत कम कराते हैं, बैटिंग करते हैं नॉर्मली, आपको दिखेंगे यहाँ से विकफर्ड वॉकर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब इनके अपन T20 के स्टैट्स देखते हैं ना तो थोड़ा ठीक प्लेयर लगता है, बहुत रिस्की रहेगा। पिछला सीजन इनका बहुत बेकार गया था, 33 के एवरेज, 33 मैचेस के अंदर लगभग 900 प्लस रन, हाइस्ट 120। T20 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल का आप देख सकते हो उनका T10 का परफॉर्मेंस, 7 मैच के अंदर सिर्फ 24 रन थे यार, इतने कम रन कौन बनाता है। यहाँ से रोनाल्ड काटो, हाईली अंडर रेटेड, विंसी प्रीमियर लीग की तरफ से इनको प्लेयर टू वॉच आउट का दर्जा मिला है। ODD के अंदर इसने 2 मैचेस खेले SU विंसेंट के लिए, वहाँ पे 8 रन स्कोर करे थे, 2 विकेट निकाले, और ये अच्छा खासा क्लीन हिटर है, बॉल का प्लेयर टू वॉच आउट रहेगा। एलेक्स ओमिल के 8 मैचेस के अंदर 144 रन, 18 की एवरेज, हाईएस्ट वॉचमैन, अच्छी पारी खेली उन्होंने। अगर टॉप ऑर्डर में खेलता है तो मस्ट पीक है, वरना आप ड्रॉप कर सकते हो। टॉप ऑर्डर मतलब टॉप 3 के अंदर खेलता है तो अच्छी बैटिंग कर लेता है। यहाँ से कीटन लाविया दिखेंगे, ये ग्रैंड लीग के अंदर आपके लिए 2 नाम है ना, कौन कौन, कीटन लाविया और चेल्सन स्टॉबे, मस्ट पीक है। 10 मैचेस के अंदर 16 और बॉलिंग कराई इस भाई ने, 9 विकेट है, हाईस्ट 37 और 119 रन थे, मतलब दमखम बहुत रखते हैं। यहाँ से फिर चेल्सन स्टॉविक आप देख सकते हो, 10 मैचेस के अंदर 14 ओवर 7 विकेट, मतलब ये भी अच्छे प्लेयर है, हाईएस्ट 18 है, 57 रन से। पहले नंबर पे आपको कीटन लाविया को प्रेफरेंस देनी है, दूसरे नंबर पे चेल्सन स्टॉविक को देनी है। फिर यहाँ से सिल्वर विलियम्स देखेंगे, इनका सीजन पिछले साल बहुत बेकार गया था, मैंने इनको हर टीम में ले रखा था पिछले साल स्टार्टिंग टूर्नामेंट के अंदर, भाई ने मेरे को एक तरफा वहाँ पर बुलाया था। 10 मैचेस के अंदर 2 विकेट थे इस भाई के, 9 ओवर बॉलिंग कराई, बॉलिंग भी बहुत कम कराते हैं भाई साहब, और हाईएस्ट 85 थे, 86 थे, क्या पता है सीजन इनका, एक टीम में ट्राई करना, हर टीम में मत लेना, पिछला साल बहुत बेकार था पिछला सीजन आई मीन। यहाँ से रे जॉर्डन दिखेंगे, 10 मैचेस के अंदर 19 ओवर बॉलिंग कराई थी, ज़्यादातर ओवर्स डालते हैं, 7 विकेट है, T20 अंदर इसके 15 मैचेस में 16 विकेट है, ये डेथ ओवर के अंदर गेंदबाजी करा सकते हैं, कौन, रे जॉर्डन। फिर आपको देखेंगे यहाँ से कौन, निगल स्मॉल, 7 मैचेस के अंदर 1 विकेट है, इंपॉर्टेंट नहीं। किमसल डलजेल पिछले साल के, ये पिछले एडिशन के हीरो रहे थे, 7 मैचेस के अंदर 6 विकेट, 12 ओवर बॉलिंग कराई थी, अच्छे टप्पे पे डाला था। यहाँ से सेल्विन स्पेंसर, 4 मैचेस के अंदर 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, जो सेंट विंसेंट T20 भी थी, पता था आपको सेप्टेम्बर से लेके अक्टूबर तक, उसके अंदर इस भाई ने अच्छी गेंदबाजी कराई थी, लगभग हर मैच में 2-3 विकेट निकाल रहे थे। पिछला सीजन आप देखो 4 मैचेस सिर्फ 4 ओवर, ऐसे कौन कराता है यार कि इतना बड़ा गेंदबाज से 4 मैचेस के अंदर सिर्फ 4 ओवर। तो ये भी एक ऐसा प्लेयर है कि इनसे टीम यूटिलाइज नहीं कराती है। T20 के अंदर 23 मैचेस के अंदर 34 विकेट है, 2-3 टीम में ट्राई करना, हर टीम में मत लेना क्योंकि टीम इसको यूटिलाइज नहीं करती है। यहाँ से फिर आपको दिखेंगे स्टार्टिंग ओवर के अंदर रशिद फ्रेडरिक्स, यहाँ से चेल्सन स्टॉबी, ग्रैंड लीग के अंदर जी ट्राई करना है किसको, चेल्सन स्टॉबी को। और डेथ में दिखेंगे आपको कौन, किमसन डलजेल शॉर्ली, रे जॉर्डन शॉर्ली, कीटन लाविया या फिर चेल्सन स्टॉबी, आपको दोनों में से एक दिखेगा डेथ ओवर के अंदर। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे जॉनसन चार्ल्स, डिलन डगलस, आपको ग्रैंड लीग के अंदर किन को ट्राई करना है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 7-8 टीम में कीटन लाविया, चेल्सन स्टॉबी 5-6 टीम के अंदर रखूंगा 11 में से, किमसन डलजेल को 6-7 के अंदर, रे जॉर्डन को भी 6-7, रोनाल्ड काटो को 4-5 के अंदर, एंड्री हार्टे को 2-3 करूंगा यार, क्योंकि ये एक स्पिनर है, स्पिनर को पहले स्टार्टिंग के अंदर मदद नहीं मिल रही टूर्नामेंट के, तो यहाँ से मैं एंड्री हंटे को 2-3 टीम के अंदर ट्राई करूंगा, रोनाल्ड काटो को 3-4 के अंदर ट्राई करूंगा, थोड़ा सा इनका नंबर कम कर रहा हूं, तो तीनों जो ऊपर है ना उनको जरूर ट्राई करना है आपको ग्रैंड लीग के अंदर। इसको कैप्टन बनाना है, डिलन डगलस पहले पे आते हैं, जोसल चार्ल्स अगर खेलते हैं तो मस्ट बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सेल्विन ब्राउन को भी ट्राई करना, ये भी आला दर्जे का खिलाड़ी है। गिडन पपो को हिट और मिस टाइप प्लेयर अगर आप लेते हो टीम में, सीधा कैप्टन बनना भाई, इसको साइड में कर देना। कीटन लाविया हो गए, इनको भी बना सकते हो, पिछला सीजन इन्होंने लास्ट के टाइम पे अच्छा फिनिश करा था लास्ट मैचेस के अंदर। केवम होजे रेपुटेशन लेके आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के शेयर करना, दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लाइक करना है, अपने दोस्तों के शेयर करना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा वीडियो देखते हो, आपके बिना दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ नहीं, यहाँ पे बात करेंगे टीम की। ये मेरी पहली स्मॉल लीग टीम है जिसके अंदर मैंने जॉनसन चार्ल्स को नहीं लिया, अगर नहीं खेलते हैं तो मैं ये टीम रखूंगा। यहाँ पे आपको दे रहा कौन है, डगलस भाई साहब, होजे जी उप कप्तान, ये पूरी टीम मेरे को बहुत ही शानदार बैलेंस लग रही है। अगर यहाँ से जॉनसन चार्ल्स नहीं खेलते तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट ठीक ठाक कर सकते हो, ये भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया।
वरना फिर ये टीम है थोड़ी रिस्की। एसएल के लिए अगर जॉनसन चार्ल्स खेलते हैं थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा कुछ प्लेयर्स पे, यहाँ से केवम होजो को आप ड्रॉप भी कर सकते हो ग्रैंडली के अंदर, पर मैं कहूँगा ऐसा मत करना, 10 क्रेडिट पे आ रहे हैं कुछ तो दमखम रखते हैं। पहले मैच में देखते हैं कि भाई क्या रोल निभाता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के अंदर ना रोल्स समझना है। ग्रैंडली खेलो, अच्छा मौका आपके पास, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। मैं आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली सर्च कर लेना स्टार्ट गुरु जी, या फिर आपको लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, देखते रहिए स्टार्ट गुरु जी।